क्वेश्चन 31 देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली. मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई. इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमें मिनिमाइज करना है जब सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स ये दे रखे हैं. तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हम सबसे पहले इन कॉन्स्ट्रेंट्स का ग्राफ बनाएंगे कि इनका ग्राफ क्या होगा. सो हम सबसे पहले बना रहे हैं ग्राफ ऑफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3. इक्वेशन का ग्राफ बनेगा ना कि इनइक्वालिटी का. तो यहां आप देखें, जब x को 0 रखेंगे तो y आएगा 3, और जब y को 0 रखेंगे तो x आएगा 3/2. नेक्स्ट इक्वेशन का ग्राफ, ग्राफ ऑफ एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 6. जब एक्स को 0 रखेंगे तो वाई 3, और वाई को 0 रखेंगे तो एक्स आएगा 6. अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ. तो ग्राफ आप बना लें यहां, तो आप इंटरवल्स ना यहां पे थोड़े 1 1 के ले लेना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. पहला पॉइंट 0,3 यहां पर, 3/2 यानी 1.5 यहां पर, दोनों को मिलाएं. दिस इज द लाइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3. एक्स 0 वाई 3 यहां पर, एक्स 6,0 यहां पर, दिस इज द लाइन. दिस लाइन इज एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 6. तो अब हम इनका चेक करते हैं कि फिजिबल रीजन किस तरफ होगा. दोनों लाइंस के इस तरफ है ओरिजन, तो दोनों में ओरिजन रख के देखेंगे. 2x प्लस वाई इक्वल टू वाला साइन छोड़ के इनइक्वलिटी ले लो, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 3. तो क्या 0 ग्रेटर देन 3 होता है? ये बात सही है, ये बात गलत है. यानी इस लाइन का फिजिबल रीजन अवे फ्रॉम ओरिजन होगा, इस वाली का इस तरफ होगा. और आप दूसरी लाइन को चेक करें तो यहां पर इसका फिजिबल रीजन 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 6, यानी इसका भी क्या होगा, अवे फ्रॉम ओरिजन होगा. और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें लेना है. तो फिजिबल रीजन कौन सा बन रहा है, देखो यहां कहीं थोड़ी सी जगह के लिए, इस पॉइंट के लिए ये लाइन भी आई है, यानी इसके इस तरफ, और इसके तो इस तरफ लेना ही था, इसके इस तरफ लेना है. तो यहां पर ये वाला जो रीजन है वो इसमें फिजिबल रीजन बनेगा. दिस रीजन इज द फिजिबल रीजन हियर. आप समझें, अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स देखो, एक तो ये कॉर्नर पॉइंट है और एक ये कॉर्नर पॉइंट है. क्योंकि ये फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है तो इसमें एक और केस भी लगाना पड़ेगा. बट उससे पहले जेड एट, इसको नाम दे दो सम ए, और ए हमें आ रहा है 0,3, इसको नाम दे दो बी 6,0. तो जेड एट ए यानी 0,3, तो ये आएगा आपका 0 प्लस 2 इंटू 3 इज 6. जेड एट बी, जेड एट बी यानी 6,0 इज 0 प्लस 6 प्लस 0 इज 6. दोनों पर ही मिनिमम आ रहा है, दोनों जो पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं उन पर ही मिनिमम आ रहा है. जब हमारा फिजिबल रीजन अनबाउंडेड हो तो हम हाफ प्लेन ड्रा करते हैं. कौन सा वी, हम बोलेंगे सिंस द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, सो वी ड्रा द हाफ प्लेन. हम कौन सा हाफ प्लेन बनाएंगे, हम हाफ प्लेन बनाएंगे. एक तो आप ले लो ये जेड एक्स प्लस टू वाई, और जो मिनिमम वैल्यू मिल रही है उससे लेस. आई रिपीट माई वर्ड्स, हम मिनिमाइज कर रहे हैं तो
तो लेस देन का सिंबल और यहां से मिनिमम वैल्यू। अगर हम इसे मैक्सिमाइज कर रहे होते तो ग्रेटर देन का सिंबल और यहां कॉर्नर पॉइंट्स पर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो लेते। मिनिमाइज में लेस, मैक्सिमाइज में ग्रेटर। इस हाफ प्लेन को बनाना है कि इसका फिजिबल रीजन किस तरफ होगा, उसके लिए हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ ऑफ एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू सिक्स। आप चेक करें कि इसका ग्राफ क्या होगा। एक्स वाई, जब एक्स को जीरो रखोगे वाई थ्री, वाई को जीरो रखोगे एक्स सिक्स, 0.3 6.0। बट आप समझे कि इस हाफ प्लेन के लिए यहां इज इक्वल टू का साइन नहीं है। जब इज इक्वल टू का साइन होता है इनइक्वलिटी में तो उसको हम बोलते हैं आपका स्लैक इनइक्वलिटी। और जब केवल ये या फिर ये सिंबल हो तो उस इनइक्वलिटी को हम बोलते हैं आपका स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी। और स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी के लिए हम डॉटेड लाइन और स्लैक इनइक्वलिटी के लिए डार्क लाइन या फिर आप कह सकते हो कि कंप्लीट लाइन का यूज करते हैं। तो जब हमने इसको बनाया x प्लस टू वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स, तो यहां इज इक्वल टू का साइन था तो हमने लाइन को डार्क बनाया। बट जब हम इसको ड्रा करेंगे तो इसका मतलब है कि यहां लाइन डॉटेड होगी। दिस डॉटेड लाइन आप नहीं दिखाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब डॉटेड लाइन का मतलब क्या होता है जब हम बना रहे हैं ऐसे फिजिबल रीजन, तो डार्क लाइन का मतलब है कि इस फिजिबल रीजन में इस लाइन के नीचे वाले और जो इस लाइन पर पॉइंट है वो भी उस फिजिबल रीजन में है। बट अगर हम बना रहे हैं ऐसे फिजिबल रीजन तो लाइन वाले पॉइंट्स इसमें नहीं है, लाइन के नीचे वाले पॉइंट्स ही केवल यहां पर हैं। तो हमने डॉटेड लाइन बना दी। अब ओरिजिन को चेक करते हैं। ओरिजिन को रखेंगे 0 प्लस 0 इज लेस देन 6, यानी सही बात है। तो इस लाइन का, इस हाफ प्लेन का फिजिबल रीजन होगा नीचे की तरफ। और मैं बोल रहा हूं कि नीचे की तरफ इस लाइन का कोई भी पॉइंट नहीं होगा। ऊपर वाले रीजन में आप देखें तो लाइन और लाइन से ऊपर वाले, और दूसरे हाफ प्लेन में केवल लाइन के नीचे वाले पॉइंट्स हैं। तो दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? आई रिपीट माई वर्ड्स, ऊपर वाले में लाइन और उससे ऊपर वाले, और नीचे वाले हाफ प्लेन में केवल लाइन के नीचे वाले, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। आप बोलेंगे द हाफ प्लेन x प्लस टू वाई इज लेस देन सिक्स एंड फिजिबल रीजियन हैव नो कॉमन पॉइंट, उनका एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है, सो मिनिमम वैल्यू इज सिक्स। तो जो मिनिमम वैल्यू है वो सिक्स हो जाएगी जो उन कॉर्नर पॉइंट्स पर मिल रही थी। और ऐसे ही मैक्सिमम वाले केस में कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो मैक्सिमम वैल्यू वही हो जाएगी जो कॉर्नर पॉइंट्स पर मिल रही है। और अगर गलती से कॉमन आ जाए तो फिर आप बोलेंगे कि फिजिबल रीजन और हाफ प्लेन में बहुत सारे कॉमन पॉइंट हैं तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। दैट मीन्स दिस हैज नो सोल्यूशन।